हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले जिन लोगों ने फास्ट रखा है, नहीं रखा है, सबको हैप्पी करवा चौथ। तो मैं हूँ इंडोनेशिया में, जैसे आपको पता है मेरा ब्लॉग आप देख रहे होंगे। तो आज मैं फर्स्ट टाइम सोच रही हूँ करवा चौथ का फास्ट रखने के लिए, तो मैं फास्ट रखूँगी। और उसके लिए हाँ, अभी पूजा का सामान भी लेने जाऊँगी। पहले तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट मैं डिसाइड कर ली मैं फास्ट रखूँगी, और मैंने रखा हुआ अभी तक यहाँ पे एक दो बज गए हैं। तो इसके बाद अभी मैं जा रही सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड मार्केट, चिकनी गोल्ड सेंटर। एक मैंने ब्लॉग इसका पहले भी डाला, एक दो ब्लॉग मैंने डाला है, बट अभी जैसे आपने देखा होगा गोल्ड का रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो वहाँ पे जाके पता लगता है मुझे क्या कम मिलता है, क्या प्राइस में मुझे सारी चीज़ें मिलती है। वैसे गोल्ड सस्ता है और गोल्ड अच्छा है। पहले तो मेरे माइंड में ना बहुत डाउट था कि गोल्ड अच्छा है कि नहीं है, बट मैंने इंडिया में जब चेक कराया तो गोल्ड अच्छा था यहाँ का। क्योंकि जब कहीं सस्ता मिलता है तो माइंड में होता है यार गोल्ड अच्छा नहीं होगा। तो बस अभी जाएंगे पहले हम वहाँ पे चिकनी गोल्ड सेंटर, उसके बाद हम जाएंगे एक यहाँ पे शॉप है मुस्तफ़ा करके, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, और मतलब करवा चौथ का भी, दिवाली का, सब का मिलेगा। तो सब जाने के बाद मैं वहाँ पे लूँगी। और चलिए सबसे पहले लेते हैं, कुछ ज्वेलरीज लेनी है, जो भी गोल्ड का सामान लेना आपको दिखाऊँगी और आपको बताऊँगी 10 ग्राम या 12 ग्राम का प्राइस क्या यहाँ पर मिल रहा है, कैरेट के हिसाब से भी। इस बार क्लियरली बताऊँगी, लास्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया था ब्लॉग, मुझे पता है, बट इस टाइम मैं पूरा पूछ के और सारी चीज़ें क्लियर करके फिर आपको बताऊँगी। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और रेडी होके बस निकल रहे हैं। निकलती हूँ, पहुँचती हूँ, फिर आपको सब दिखाती हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने चेक की बहुत सारी ज्वेलरीज, जैसे मैंने 18 कैरेट का एक चेन देखी, तो और मैंने इंडिया में पूछा, अराउंड 10 से 11 हज़ार रुपये का डिफरेंस था, क्योंकि मेकिंग चार्जेस एंड ऑल मिला के। तो मैंने यहाँ पे पता किया, फिर मैंने घर पे भी पूछा, तो 10 से 11 हज़ार का डिफरेंस था हमारे 18 कैरेट की ज्वेलरीज में। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, मुझे लाइक चेन टाइप में ही छोटा सा कुछ चाहिए था, और क्योंकि मैं छोटी चीज़ें पहनती हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मुझे एक दो अच्छा लगा। एक चीज़ें मैं सॉरी आपको दिखा नहीं पाऊँगी मैंने क्या लिया इस बार, मैं लास्ट मतलब एक दो दिन के बाद ब्लॉग डालूंगी मैंने क्या लिया वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो मैंने चीज़ें ली है उसकी चेन भी थोड़ा सा बड़ा था, उसको थोड़ा सा सही होने के लिए दिया हुआ है। तो फाइनल लेने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या ज्वेलरी ली, बट बहुत प्राइस डिफरेंस तो बहुत है। और मुझे जो शॉपिंग करनी थी, जो लेना था मैंने ले लिया, और मैंने बहुत सारे ट्राई किए, मुझे एक दो चीज़ें पसंद आई है वो मैंने ले लिया, वो मैं आपको घर जाऊँगी। और हम निकल गए वहाँ से और अभी जा रहे हैं मुस्तफ़ा, जहाँ से हम पूजा का सामान लेंगे। और थोड़ा बहुत, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, वैसे करवा चौथ भी है, तो पूजा करनी, उसका बहुत कुछ सामान मैंने लिया नहीं था, बट अभी जा रही हूँ उसका सामान लेने के लिए। वहाँ से मैंने लिया पूजा का सामान सारा, स्टील के बर्तन हो गए, कलश हो गया, दो तीन चीज़ें, और मुझे आइडिया था नहीं तो मैं इंडिया से लाई नहीं थी, फिर मैंने यहाँ पे की लिया बहुत सारी चीज़ें, और मतलब मिल गया था मुझे पूजा का सामान, मुझे मिल गया था। फिर उसके बाद मैं निकल गई अपनी फ्रेंड के घर। वाइट गोल्ड, वाह, वाइट गोल्ड का सेट, क्या बात है भाई प्रीति, तो देखो ब्रेसलेट, देखे ब्रेसलेट, देखो वाह, गर्दना कर देना मेरी, डायमंड, व्हाइट गोल्ड विद डायमंड, यही सीख ले कम से कम। लग गई मेरी भाई मेहंदी बढ़िया, और अब मैं जा रही हूँ घर, मेरी बढ़िया मेहंदी लग गई, लगा दी प्रीति ने, मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ पे यार मेहंदी लग पाएगी, बट देखो अच्छी सी लगाई है उसने। तो अब चलती घर जाके पूजा वजा करूँगी, फिर आगे देखती हूँ। और मुझे लेना था लड्डू प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे लड्डू अराउंड 250 ग्राम 400 रुपए के आसपास मिलता है, 450-450 रुपए के आसपास, क्योंकि चढ़ा रहे हैं मुझे प्रसाद, तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, अराउंड 500 के आसपास का मुझे मिला है चाँदी। और करवा चौथ पे आज मैं पहनूंगी ये वाला सूट, जो कि ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था, मैं करवा चौथ फास्ट रखूंगी और मैं ये पहनूंगी, बट मैंने रेड कलर के रखा हुआ था, तो आज मैं ये पहनूंगी और मैं रेडी होकर आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरा लुक करवा चौथ का, और ये सूट अगर मैं
ये है करवा चौथ का मेरा लुक। अभी मैं फोटो क्लिक कराऊंगी तो आप उस पर और डाल देंगे। और ये मैंने लिया था सूट अर्बन स्त्री से, जहाँ से मोस्टली लास्ट रेट पहले तो भी अर्बन स्त्री का था और ये भी अर्बन स्त्री का है। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे तो मैंने सोचा था नहीं कि मैं करूँगी पूजा, बट मैंने कोई तैयारी ऐसी नहीं की थी। बट बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो पूजा की मेन चीज़ें हैं वो मिल गई हैं और मैं उसे करूँगी पूजा। यहाँ पे जो सीख होता है ना उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो भी नहीं मिलता है। तो मैं ऐसा कोई प्रिपेयरमेंट थी नहीं, बट अब नेक्स्ट डे जब करूँगी तो प्रॉपर, अगर मैं यहाँ रहूँगी मुझे पता चलेगा तो मैं इंडिया से एक चीज़ ही ला के रख लूँगी अपनी पूजा के लिए। बट अभी जो मिलता है जैसे मिलता है मैं सारी पूजा करूँगी अभी। और प्यास लग रही है सच में, अब तो इस टाइम तक 6:30 बज गए यहाँ पे, तो सच में लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास। और चांद आ गया और अब हम जा रहे फाइनल नीचे पूजा करने के लिए। तो बस रेडी, प्यास बहुत तेज लगी। हो गया पूजा की तैयारी, एक शॉट के लिए भी। तो मैं पूजा करने जा रही हूँ, साइड वाली सोसाइटी में फ्रेंड रहती है मेरी, तो हम दोनों पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज मेरी मेहंदी भी लगाई थी। तो अब हम दोनों करेंगे पूजा साथ में मिलके। वो लुका छुपी आज होती है। चलो तो हम आ गए सोसाइटी के रेस्टोरेंट में जो नीचे ही है, क्योंकि मैं लेट हो गया था, मैंने कुछ बनाया नहीं था। तो अब हम यहाँ पे खाएंगे, बहुत तेज लगी है भूख, बल्कि तो पियेंगे कुछ, उसके बाद खाएंगे। मजा आया, वहाँ परिवार आराम से खाओ। तो हमने पूरे दिन किया बहुत ज़्यादा इंजॉय, शॉपिंग, घूमना, पूजा और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मेरा करवा चौथ था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।